बलौदाबाजार जिले के करही बाजार पुलिस चौकी क्षेत्र में रामपुर के पास मंगलवार की देर शाम शिवनाथ नदी पर पिकनिक मनाने आए तीन दोस्तों में से एक युवक जो पेशे से अधिवक्ता था, उसकी कार के साथ नदी में डूबने से मौत हो गई। हालांकि नशे में धुत उसके दोस्तों ने बचाने की भरपूर कोशिश की और नदी से बाहर भी निकाला, पर तब तक देर हो चुकी थी। मामले में करही बाजार चौकी प्रभारी नवीन शुक्ला ने बताया कि रामपुर मंदिर के पास तीन दोस्त जयलाल सोनवानी, यशवंत दिनकर और पवन छिंदोड़े पिकनिक मनाने आए हुए थे। इसी में से एक युवक जयलाल सोनवानी, जिसे कार चलाना नहीं आता था, कार चालू कर नदी की ओर ले गया। नियंत्रण नहीं होने से युवक कार के साथ सीधे नदी में जा घुसा। इस घटना को देखकर उसके दोस्त बचाने पहुंचे और उसे बाहर निकाला। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को जिला हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो यार हम लोग तीन दोस्त थे, हम लोग पार्टी करने गए थे, दारू पीने। तीनों दारू पिए, नदी के किनारे फिर आए थे। फिर हम लोगों को नशा हो गया, मेरे को ज्यादा नशा हो गया, तो मैं नदी के किनारे मुंह धोने के लिए चला गया। मुंह धोने के साथ साथ मैं उल्टी करने लगा। उतने में देखा कि गाड़ी चारपहिया जो है वो चालू हालत में, जिसमें जयला सुनवानी मेरा दोस्त सवार था, वो चलाते हुए सीधे नदी में छलांग लगा दिया, गाड़ी सही फिर डूबा। फिर मेरे दोस्त जसवंत तुरंत उसको बचाने के लिए गए। फिर उसको 5 मिनट में जैसे तैसे बाहर निकाले। फिर तुरंत हम लोग पुलिस वालों को फोन किए, पुलिस वाले सर लोग तत्काल पहुंचे। फिर जिला अस्पताल के लिए हम लोगों के लिए लाया गया। वो भी मुझे रहा था मेरे साथ, मेरे को देखने आया था। जब मैं उल्टी कर रहा था, मेरे को ज्यादा नशा हो गया था पानी डूबने से नदी में। वो जसवंत भाई का, उसका रिजा का कार है, वो नदी में डूबा है सर कार। जी सर, क्या हुआ कि हम लोग तीनों दोस्त थे, रामपुर के जो मंदिर के पीछे है वहां पे बैठ के थोड़ा ड्रिंक विंक कर रहे थे दोस्त लोग। अब क्या है वहां पे, तो भाई को क्या हुआ, पवन भाई को थोड़ा उल्टी होने लगा, तो वो क्या है नदी किनारे मुंह हाथ धोने चला गया। मुंह हाथ धोने के लिए गया तो मैं फिर क्या हुआ कि क्या बात है करके मैं देखने के लिए चला गया। अब वहां पे हमारा भाई था जो जयलाल सोनवानी, वहां कार के पास खड़ा था। कार के पास खड़ा था तो वो क्या है कि पता नहीं क्या उसके माइंड में आया कि वो कार को स्टार्ट कर दिया। कार को स्टार्ट किया तो पता नहीं अनबैलेंस होकर कार जो है स्पीड में जाके नदी में छलांग लगा दी। कि मैं देखा कि कार स्टार्ट हो गया है तो भाई कार के पीछे मैं दौड़ा। फिर वो गया तो कार तो क्या है वो छलांग लगा चुका था। फिर जैसे तैसे अब गहरा था नदी सर, तो मैं वहां पे गया तो फिर 2-3 मिनट ऐसे ही लेट हो गया। तो फिर मैं खिड़की जो है वो खुला हुआ था, खिड़की से उसको फिर बाहर निकाल के जैसे तैसे आप लोग किनारे पे लेके आए, पेट वेट दबाए। फिर पुलिस को कॉल किया, भाई किया पवन, मेरा मोबाइल तो डूब गया था तो पवन भाई ही कॉल किया। और उसके बाद पुलिस की टीम वहां पे पहुंची और उसको लेकर हम डायरेक्टली यहाँ अपन जिला अस्पताल पहुंच गए। अब यहाँ आने के बाद पता चल रहा है सर मृत घोषित कर दिया भाई को। ऐसे मामला ये है कि तीन दोस्त ग्राम राजपुर के ओटे बन के वेगन आर कार से तीन दोस्त पिकनिक मनाने रामपुर मंदिर के पीछे नदी किनारे गए थे, जहाँ दो दोस्त पानी में हाथ मुंह धो रहे थे, लेकिन तीसरा दोस्त जयलाल सोनवानी, इसे कार चलाना नहीं आता था, स्टीयरिंग में बैठ गया और कार को चालू कर कार सहित नदी के पानी में घुस गया। उनके दोस्तों द्वारा निकाला गया है और पुलिस को सूचना मिलने पर तुरंत पहुंचकर जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां डॉक्टर ने जयलाल सोनवानी को मृत घोषित किया। पिकनिक मनाने की बात आई थी, शराब की बात अभी कुछ कहा नहीं जा सकता उसके बारे में। मृतक के बॉडी में कुछ और ऐसे चीन मारपीट में था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं आया। तो सवेरे PM करा जाएगा, उसके बाद ही जानकारी आएगी।